नमस्कार मित्रों, मैं अरविंदन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों आप सबको सुबह की राम राम। मित्रों आज का दिन 30 जुलाई 2021 शुक्रवार। मित्रों आज का सूर्योदय का समय सुबह 6:09 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:23 का। मित्रों आज की चंद्र राशि होगी मेष और आज का नक्षत्र होगा रेवती। तो मित्रों अब शुरू करते आज की राशियाँ। શું તમે ડૉક્ટરની રિપોર્ટ કરાવીને કંટાળી ગયા છો? તો ચાલો જાણીએ આપણે આપણી જન્મકુંડળીથી આપણને કયો રોગ થયો છે અથવા થવાની સંભાવના। તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? શું કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબ નો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ના લાલ કિતાબ ના ઉપાય થી ચાલો બનાવી આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરો થી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। મેષ રાશિ, મેષ રાશિ વાળો કે લીએ આજ કુછ ધર્મ સે જુડે હુએ કામકાજ કરને કા દિન હે। મંદિર જાના, કહીં હોમ હવન મે જાના, કિસી દોસ્ત કે યહાં કોઈ પૂજા રખી હે ઉસમે આપકો આજ જાના પડેગા। વૃષભ રાશિ વાલે કે લીએ આજ બિઝનેસ મે બહોત અચ્છા લાભ મિલને વાલા હે। તો જબ અચ્છા લાભ મિલને કા ચાન્સ હો ના तब अपना ध्यान बिजनेस पे होना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं बनाओगे तो आता हुआ लाभ आपसे दूर चला जाएगा। मिथुन, मिथुन राशि वाले को आज हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर किसी काम से आप डर गए, रुक गए तो वो काम पूरा नहीं होगा, और काम पूरा नहीं होगा तो आप तक आने वाला जो बड़ा लाभ है वो रुक जाएगा। तो मित्रों थोड़ी सी हिम्मत दिखा के आज कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको डर लगता हो वो आज थोड़ी सी हिम्मत दिखा के उसको पूरा कर दे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी आज व्यापार में उन्नति करने का दिन है। मित्रों आज आप व्यापार को तो आगे बढ़ा ही दोगे लेकिन उसके साथ साथ कुछ नया काम करने की जो बहुत लंबे समय से सोच रहे हो तो उस पर भी आज आप कुछ अमल कर सकते हो और उसको भी आज आप शुरू कर सकते हो। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी आज व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता हो दिख रहा है। तो आज व्यापार में तो लाभ मिलने ही वाला है लेकिन आपको अपना ध्यान व्यापार से हटाना नहीं है। कन्या, कन्या राशि वाले आज सुबह से किसी उलझन में फंसेंगे। मित्रों डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के दिन में आपकी उलझन में आपका साथ देने वाले आपके दोस्त आने वाले हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त आपके साथ आके खड़ा रहेगा जो आपकी उलझन को सुलझाएगा। तुला, तुला राशि वाले को आज फैमिली से बहुत अच्छी सुकून मिलने वाली है। बहुत दिनों से जो छोटी मोटी तकलीफें आपकी फैमिली में दिख रही थी वो तकलीफें आज समाप्त होने वाली है और उस पर बहुत अच्छा समाधान होने वाला है। मित्रों वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले को आज बिन जरूरी खर्चों से बचना चाहिए। आज आप शॉपिंग करने जाओगे लेकिन शॉपिंग में आपको अपने खर्चों पर काबू रखना है। फालतू की खरीदी आपके पैसे को बर्बाद करती है तो इस पर आज अपना ध्यान बनाए रखना। धनराशि, धनराशि वाले के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। मित्रों कई दिनों से अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे थे लेकिन आज वो अकेलापन दूर होने वाला है। आपके भाई आपको साथ देने आ रहे हैं। मकर, मकर राशि वाले को आज एकदम से कोई पीड़ा मिल सकती है। गिरना, चोट लगना, वाहन चलाते समय कुछ चोट लग जाना, तो ये आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी पीड़ा आज शाम तक आपको मिल सकती है। तो मित्रों वाहन चलाते समय खास ध्यान रखें ताकि आपको भी नुकसान ना और वाहन को भी नुकसान ना हो। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले को अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। कोई घर में कोई आपकी सुख सुविधा का साधन बिगड़ जाए, टीवी, फ्रिज, एसी, इसमें आपको कुछ खर्च करना पड़े। तो मित्रों इस पर पहले से ध्यान रखना, कोई ऐसी गलती ना हो कि वह आपकी गलती से ऐसे साधनों में कुछ खराबी आ जाए। मीन राशि, मीन राशि वाले के लिए आज पारिवारिक चिंताओं का बढ़ना दिख रहा है। तो मित्रों अपने परिवार पर ध्यान रखें ताकि ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे आपको अपनी चिंताओं को बढ़ता हुआ देखना पड़े। तो मित्रों ये था आपका आज का राशिफल। अब देख मित्रों आज का सुविचार, गुरु की डांट पिता के प्रेम से बढ़कर होती है तो इस पर ध्यान अवश्य रखें।
मित्रों, आज की वैद्य की सलाह, अगर आपका गला बार बार बैठ जाता है तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के इसके कुल्ले करने से आपके गले की आवाज़ वापस ठीक हो जाती है। तो मित्रों, ये था आपका राशिफल, सुविचार और आज की वैद्य की सलाह। तो मित्रों, अब देखते हैं आज का उपाय। मित्रों, आज के उपाय में अगर आज आप जो दिया करने के लिए जो हम कॉटन यूज़ करते हैं, ये कॉटन थोड़ा सा कॉटन किसी मंदिर में अगर आप दान कर देते हो तो आज आपको फाइनेंशियली फ़ायदा बहुत अच्छा होगा और आपके रुके हुए काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी चैनल पर। तो चलो, बदल दे जिंदगी। नमस्ते मित्रों।